तो फ्रेंड्स नमस्कार मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि अपनी भूख को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और भूख बढ़ जाने के बाद कैसे हम अपना वज़न भी बढ़ा सकते हैं चलिए शुरू करते हैं देखिए एक वीडियो में मैंने चर्चा की हुई है कि क्या क्या ऐसे कारण होते हैं क्या क्या मेन कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें भूख नहीं लगती तो वो अगर स्टेज है अगर आपको लगता है कि आप में कोई ना कोई ऐसे सिम्टम्स आ गए हैं भूख नहीं लग रही है तो देखिए डॉक्टर के पास जाकर सबसे पहले अपना पूरा चेकअप करा लेना चाहिए अपने सारे इन्वेस्टिगेशन करा लेने चाहिए कि कहीं कोई गंभीर रोग तो शरीर में नहीं बन रहा अगर ये आपको लगता है कि भूख ना लगने के अलावा और आपकी उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है तो फिर देखिए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपकी भूख बढ़ा देंगे आपका वज़न बढ़ा देंगे होता क्या है कि ऑलरेडी अगर किसी का वज़न कम है और उधर से भूख भी ना लगती हो तो आप समझ सकते हैं कि उस उस व्यक्ति को कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती होगी कि मेरा वेट भी नहीं बढ़ रहा और मेरी भूख भी कम हो गई है तो उसके लिए ये टिप्स जो हैं बहुत कामयाब होंगे तो चलिए शुरू करते हैं देखिए आमतौर पे होता क्या है कि सारा खेल जो है ये सारी बात जो है क्लोरीज की है कि अगर आपका क्लोरीज इनटेक आप ज़्यादा हो गए जितनी आपके शरीर की प्रतिदिन की जरूरत है अगर उससे ज़्यादा आप पाएंगे तो तभी आपका वेट बढ़ेगा और देखिए भूख में वो चीज़ें खानी हैं जिससे कि आपकी कैलोरीज ज़्यादा बन जाएँ जिसकी वजह से कि आप जो है शरीर को भी मदद दे सकें आपका वेट भी बढ़ सके और आप अपना भूख भी दिन प्रतिदिन उसको बढ़ाते चले जाएँ तो चलिए देखिए सबसे पहले बात आती है कि आप वो चीज़ें खाएंगे अपने खाने में वो शामिल करेंगे जो आपको पसंद आती हैं जिसे खाने में आपको प्लेज़र मिलता है तो हमेशा अपने भोजन में वो चीज़ें खाएंगे जिससे आपका इंटरेस्ट आता है जिससे आपकी भूख बढ़ती फिर देखिए आम तौर पर रिवाज होता है ब्रेकफास्ट करना लंच करना डिनर करना ऐसा नहीं आप अपना जो मील है इसको बांट कीजिए तो आप तीन टाइम नहीं खाना खाएंगे, बल्कि आपको छः टाइम या पाँच या छः बार में उस खाने को या इस प्रकार से आप डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको पूरी कैलोरीज मिल जाएंगे पूरे दिन की और आपका पेट भी आप इतना पोर्शन जो नहीं खा सकते उससे भी आप बच जाएंगे तो उसको आप डिवाइड कर लें इस प्रकार से आपको भोजन करना है फिर देखिए भोजन में जो आप खाएँगे उसमें कैलोरीज ज़्यादा होनी चाहिए अब कैलोरीज कैसे बट आएंगी तो आप सबसे पहली बात करें कि अपने खाने में फैट को बढ़ाएं फैट कैसे बढ़ेगा देसी घी जो भी आप दाल सब्जी खाते हैं या रोटी खाते हैं उस पर एक चम्मच या दो चम्मच उस पर घी लगा लें तो उससे क्या होगा खाना भी टेस्टी हो जाएगा और आपकी जो कैलोरीज हैं वो भी ज़्यादा मिल जाएगी फिर देखिए प्रोटीन साइट को बढ़ाने के लिए जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो एक आध पीस मीट का ले सकते हैं चिकन का ले सकते हैं फिश का ले सकते हैं या अंडा उबला हुआ या बना हुआ अंडा खा सकते हैं और जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं वो लोग क्या करें कि अपने साथ पनीर लेकर उसके कद्दूकस करके या उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी दाल या सब्ज़ी में प्रतिदिन डालें कम से कम एक पचास ग्राम का उन्हें पनीर रोज़ खाएंगे तो क्या होगा खाना भी टेस्टी हो जाएगा और वो आ, क्या कहते हैं उससे आपकी प्रोटीन साइट भी पूरी होती रहेगी फिर देखिए जो खाना होना चाहिए वो बहुत उसकी लुक जो है वो मल्टी कलर्ड होना चाहिए बहुत सुंदर लगना चाहिए आप जिस टेबल पे खाना खाते हैं उसमें वैरायटी दिखनी चाहिए उसमें सुंदरता होनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी फिर भूख भी थोड़ी बढ़ेगी और उसकी सुगंध भी अच्छी आनी चाहिए जिससे आपको खाना खाने में फिर मज़ा आए फिर बात करते हैं देखिए हमेशा खाने का समय निश्चित रखें क्योंकि हमारा शरीर जो है ये एक मशीन है इसको एक बायोलॉजिकल क्लॉक से चलाना होता है कि देखिए उस समय जिस समय आपको ऐसा अपना सेट कर लेंगे जैसे सुबह उठने की आदत अगर आपने डाल रखी है तो आपने देखा होगा कि बिना अलार्म के भी आपकी नींद उस समय ही लगभग आस आसपास खुल जाती है तो इसी प्रकार से अपने खाने का समय भी जब आप निश्चित कर लेंगे तो उससे भी क्या होगा कि वो आपकी फिर भूख जो है उसी समय फिर लगनी शुरू हो जाएगी फिर देखिए आजकल की भाग दौड़ जिंदगी में लोग क्या करते हैं ब्रेकफास्ट को मिस कर देते हैं ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसी के सहारे आपने सारा दिन गुजारना होता है देखिए अगर रात को सपोज आपने 10 बजे डिनर किया और सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया या एक आध रस या चाय पी के आप चले गए तो आप मान के चलिए आपकी भूख भी प्रतिदिन कम होती चली जाएगी और साथ ही साथ वजन भी फिर किसी भी हालत में नहीं बढ़ेगा तो इसलिए कोशिश करें आप अपना ब्रेकफास्ट करें अपनी रात को ही तैयारी करके रख लें कि हमें ब्रेकफास्ट में कल क्या खाना है तो आमतौर पे जो आइडियल ब्रेकफास्ट होता है एक ग्लास दूध लें उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा लें अगर आपको शुगर नहीं है साथ में दो अंडे खा लें अगर अंडे नहीं खा सकते तो साथ में दो केले खा लीजिए और परोठी जो है देसी घी की बनी हुई खाएं या आलू स्टफ़ किया हुआ वो खाना एक आम जो हमारा इंडियन ब्रेकफास्ट होता है तो इसको अगर आप अपनाएंगे तो क्या होगा कि आपका ब्रेकफास्ट जो है हेल्दी होगा और साथ ही साथ जितना आप खा सकते हैं उतना वो पोर्शन खाइए और एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप खाना खाएंगे चाहे ब्रेकफास्ट में हो या लंच में हो या डिनर में हो हमेशा बड़ी प्लेट में खाइए क्योंकि ब्रेन को ट्रेनिंग देनी होती है अगर आपने छोटे बर्तन में छोटी प्लेट में अगर खाना खाया तो आपको लगेगा कि यह बहुत ज़्यादा खाना है इतना मेरे से नहीं खाया जाएगा तो हमेशा ब्रेन को मतलब एक तरह से कंफ्यूज करने के लिए आप बड़ी प्लेट में अगर खाना खाएंगे तो क्या होगा कि वो पोर्शन जो है खाने का कम दिखाई देगा उसकी वजह से फिर वो आप अच्छी मात्रा में खा सकेंगे और खाने में चाहे वो ब्रेकफास्ट है लंच है डिनर है उसमें वो चीज़ें नहीं खानी जो आपको पेट में बहुत देर तक बनी रहती हैं जैसे सब्जियां हैं सब्जियां जो होती हैं ये बहुत देर में पचती हैं और इसके या उनका जो आम तौर पर दो ढाई घंटे में पेट खाली हो जाता है लेकिन इनका ज़्यादा देर ये बनी रहती हैं तो इसलिए सब्जियों की मात्रा कम करनी होगी और जो नॉन वेज भी खाते हैं उसकी उसकी मात्रा कम करनी होगी आप दिन में कई बार खा लें नॉन वेज लेकिन एक साथ ज़्यादा नहीं खाएँ क्योंकि उससे फिर क्या होगा कि आपकी फिर भूख जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो इसलिए कोशिश करें कि वो जो चीज़ें हैं हमेशा थोड़ी मात्रा में खानी चाहिए फिर देखिए जब भी आपका खाने का समय आता है चाहे वो ब्रेकफास्ट हो लंच हो डिनर हो या जो भी मील लेते हैं उससे पहले आपको पानी नहीं पीना होता आमतौर पे गलती कर देते हैं कि लोग पहले पानी पी लेते हैं या खाने के साथ पानी पीते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका पेट भर जाता है और फिर आपकी मात्रा खाने की कम हो जाती कोशिश करें कि अगर पानी भी पीना है तो एक घंटा कम से कम उससे पहले आप पी लें जिससे कि आपको क्या होगी फिर वो पानी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपका पेट फिर खाली रहेगा फिर देखिए ऐसा बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं खाने से पहले कुछ स्नैक्स खा लेते हैं ये आम तौर पे हैबिट होती है कि कुछ एपिटाइज़र ले लेते हैं जैसे सूप पी लेते हैं जूस पी लेते हैं या और कुछ खा लेते हैं उन्हें बिल कोई आइसक्रीम खा लेते हैं या कोई मीठा या कोई स्नैक्स उन्होंने पहले खाया होता है तो फिर क्या होगा देखिए भूख नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी आपके शरीर में ये इतनी एनर्जी जा चुकी है इसकी मात्रा इतनी नहीं होनी चाहिए अगर आपने खाने की भूख बढ़ानी है तो इससे पहले आप हर हालत में ऐसी चीज़ें जो हैं ये नहीं खानी फिर देखिए एक बात और करते हैं कि हमेशा जब भी खाना खाएं वो अकेले नहीं खाना होता अगर अकेला खाना खाएंगे तो क्या होगा आप कम खाएंगे कोशिश करें घर के सारे मेंबर्स बैठ के खाएं या अपने फ्रेंड सर्कल में खाएं या अपने दोस्तों के बीच में हमेशा कोशिश करें उन्हें घर पे बुलाएं जब भी अगर जो लोग बिल्कुल बहुत कम खाते हैं तो उनको किसी ना किसी के साथ बैठ के बातें करते हुए खाएंगे कोई इंजॉयफुल चुटकुले सुनाते हुए खाएंगे तो उसकी फिर क्या होगा कि वो बातों बातों में ही वो थोड़ा फालतू खाना खा जाएंगे या ऐसा भी नहीं होता आप नहीं बुला सकते तो कम से कम ऐसा प्रोग्राम टी वी लगाएं जो आपको बहुत इंटरेस्ट लगता हो आपका ध्यान उस तरफ ही लगा रहे और उसके फिर आप क्या होगा कि अगर आप साथ साथ खाना खाते चले जाएंगे तो आपका पोर्शन जो होगा खाने का वो ज्यादा हो जाए फिर देखिए आमतौर पे लोगों को हैबिट होती है कि टी पिएंगे कॉफ़ी पियेंगे अल्कोहल पियेंगे स्मोकिंग करेंगे ये अगर आपको हैबिट है और बहुत ज़्यादा अगर आप पी लेते हैं कॉफ़ी लेते हैं अल्कोहल लेते हैं या सिगरेट पीते हैं तो इसको हर हालत में कम करना होगा क्योंकि अगर ये मात्रा आप लेते रहेंगे तो किसी भी हालत में आपकी ज़्यादा भूख नहीं बढ़ेगी दूसरा खाने में स्पाइसी फूड कम होना चाहिए मिर्च मसाले का सामान कम होना चाहिए क्योंकि मिर्च ज़्यादा खाने से क्या होता है कि पेट के अंदर ये जो है इससे फिर भूख जो है वो कम हो जाती है और जल्दी ही आप अपना खाना फिनिश कर देते हैं फिर देखिए बात करते हैं कि हमेशा खाना रिलैक्स एटमॉस्फेयर में करना चाहिए खुशी वातावरण में करना चाहिए क्योंकि ऐसे वातावरण में जब आप खाना खाएंगे तो क्या होगा कि आपको एंजॉय मिलेगा अच्छा फील करेंगे साथ ही साथ देखिए कि कभी भी जो खाना है उसमें इस प्रकार से आइटम होने चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं जैसे मैंने अभी पहले आपसे चर्चा की कि इस प्रकार की चीज़ों का आपको सेवन अगर आप जो बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें सुगंध आती है अच्छा फील होता है सुंदर लगते हैं उनका सेवन करना चाहिए फिर देखिए आमतौर पर बीच बीच में खाने के बीच में कभी ना कभी जैसे लोग चाय पी लेते हैं कॉफ़ी पी लेते हैं वो ना लेके आप फ्रूट जूस पीजिए या आप स्मूथीस पी लीजिए लस्सी पी लीजिए दूध पी लीजिए या अगर आपको और कुछ स्नैक्स खाने होते हैं तो जो भी आपके पास स्नैक्स आते हैं तो चाहे वो बिस्किट्स ही क्यों ना हो या चिप्स भी क्यों ना हो तो उसके साथ मक्खन लगा के या मक्खन के साथ या मलाई के साथ या देसी घी के साथ किसी भी प्रकार से या पनीर के साथ उसकी उसकी जो क्लोरिक वैल्यू है उसे बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपको जो आपको एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी फिर देखिए बात करते हैं कि हमेशा गरम गरम खाना नहीं खाना होता हमेशा खाना ठंडा करके खाएंगे ज़्यादा गरम खाने से भी क्या होता है कि भूख कम हो जाती है आप ज़्यादा खाना नहीं खा सकते इसके साथ साथ देखिए कुछ ऐसे एपिटाइजर्स होते हैं जो आपके अंदर के शरीर के टॉक्सिन कम कर देते हैं हमारी किचन में ये सब कुछ है लेकिन हम इसकी जानकारी नहीं रखते देखिए हमेशा कोशिश करें सलाद में या वैसे भी आप प्याज का लहसन का अदरक का कच्ची लस्सी सॉरी हल्दी का काले नमक का काली मिर्च का इलायची का बड़ी इलायची छोटी इलायची इन सब का सेवन आप करते रहें और आप कोशिश करें जब भी आप खाना खाने के बाद पानी पियेंगे तो इलायची डाला हुआ वो पानी पियेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा होगा कि एक तो आपको पानी मिल जाएगा आप पानी भी अच्छा पी लेंगे और ये भी एक तरह से भूख बढ़ाता है और खाना खाने के बाद थोड़ा सा अगर आप गुड़ खाएँगे तो इससे भी फिर बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इसके साथ साथ देखिए जो हमारा ये योगा योग ये योगा की विधि है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इतना अच्छा हमारे पास साधन है जिसमें एक रुपया भी खर्च नहीं होता आप योगा सीखिए योगा और मेडिटेशन करेंगे तो इससे आपको दोनों फायदे होंगे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी आप में एक बॉडी लैंग्वेज भी बनेगी और इस साथ ही साथ जब मेडिटेशन करेंगे तो आपके दिमाग में जो भी स्ट्रेस है जो भी दुख है जो भी टेंशन है जो भी मतलब परेशानियां हैं वो मेडिटेशन करने से मन शांत होने से आपको क्या होगा कि रिलैक्सेशन मिलेगी आप एक अच्छा फील करेंगे जी आप ट्राई करके देख लीजिए जिस दिन आप योगा करेंगे मेडिटेशन करेंगे जैसा भी मेडिटेशन आता है मैंने कैसे एक मेडिटेशन कर सकते हैं एक बहुत सिंपल वे का एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप वो जाके सुने आशा करता हूँ उसमें मदद मिलेगी क्योंकि हियरिंग और थॉट्स का आपस में बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है केवल आप जब सुनते चले जाएंगे और तो धीरे धीरे क्या होता है कि माइंड जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है इसकी कैसे विधि होती है क्या विधि होती है आप वो जाके मेरा वीडियो देखें तो उससे फिर आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अब फिर देखिए अगर धीरे धीरे जब ये आप ऐसा कर लेंगे फिर आप सैर करना शुरू करिए वॉकिंग पे जाना शुरू करिए जब आप वॉक पे जाएंगे तो फिर क्या होगा वॉकिंग करने से भी आपके शरीर में ऑलरेडी थोड़ी बहुत एनर्जी बन चुकी होगी इस आपकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी होगी तो जब आप वॉक करने जाएंगे तो उससे आपको बहुत इंटरेस्ट मिलेगा आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे और उससे फिर क्या होगा कैलोरीज खर्च होंगी फिर आपकी क्लोरिस इनटेक बढ़ जाएगी आपकी भूख भी बढ़ जाएगी वॉकिंग के ऊपर भी एक मेरा वीडियो है कि हर आदमी को एक हैबिट डालनी चाहिए कि हमें किस प्रकार से वॉक करना चाहिए तो इस इस प्रकार से अगर ये सारा कुछ जो मैंने आपके सामने पेश किया है आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो औरों के साथ भी शेयर करें फर्स्ट टाइम मेरे व्यूअर्स हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार